हेलो एवरीवन, अगेन वेरी वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन पैंट्स ग्रो। आई एम सैली नागपुरे और मैं आज फिर इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हम मिनी चन्नी प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं और इस प्लांट को ज्यादा से ज्यादा घना बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपके साथ कवर करने वाली हूँ, सो मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले इस प्लांट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। मिनी चन्नी एक ब्यूटीफुल एवरग्रीन फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट के मिनी चांदनी नेम के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे टैगर मिनी प्लांट, ड्वार्फ चांदनी प्लांट, नेरोस्क्रॉन, मूनबीम, कैरनेशन ऑफ इंडिया और पिनव्हील प्लांट और क्रैप जैस्मिन। इसके अलावा एक इसका कॉमन नेम भी है जिसे हम मिनी चांदनी नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट को मिनी चांदनी इस प्लांट का नाम इसलिए भी है क्योंकि इस प्लांट के जो लीव्स और फ्लावर होते हैं वो बहुत छोटी छोटी होती है चांदनी प्लांट के कंपेरिजन में। आपको भी इस प्लांट की पत्तियां और फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे दिख ही रहे होंगे वीडियो में। और जो चांदनी प्लांट होता है उसकी पत्तियां और जो फ्लावर होते हैं वो मिनी चांदनी के फ्लावर और पत्तियों से थोड़ा से बड़े होते हैं। देखिए मेरे पास एक चांदनी प्लांट भी है, इसकी पत्तियां और फ्लावर्स देखिए, इनका जो साइज होता है थोड़ा मिनी चांदनी के फ्लावर और लीफ से थोड़ा सा बड़ा होता है। इन प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो रात के समय खिलते हैं, इसलिए इस प्लांट को मून बेम प्लांट भी कहा जाता है। मिनी चांदनी प्लांट की हाइट ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 फीट तक होती है। यदि आपने इस प्लांट को जमीन में लगा रखा है तो ये 4 से 5 फीट तक दिखाई देगा और यदि आपने पॉट में लगाया है तो इसकी ज्यादा से ज्यादा हाइट 3 से 4 फीट तक ही बढ़ती है। मिनी चांदनी प्लांट का ग्रोथिंग पीरियड स्प्रिंग और समर सीजन में होता है। इन सीजन में आपका मिनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और फ्लावर से भरा हुआ दिखाई देगा आपको। देखिए मैंने अपने मिनी चन्नी प्लांट को कैरी में लगा रखा है और ये प्लांट भी अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक बार बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो चुकी है इस प्लांट में, अब न्यू लीव्स डेवलप कर रहा है ये प्लांट, इसके बाद फिर से अच्छे से फ्लावरिंग होगी इसमें। मिनी चांदनी प्लांट में फ्लावरिंग बंच फॉर्म में होती है। आपको फ्लावर के आसपास ही बहुत सारी कलियां या तो फ्लावर उगते हुए नजर आएंगे इसमें। मिनी चांदनी प्लांट इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेन प्लांट है, इसकी केयर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मिनी चांदनी प्लांट में बहुत सारी फ्लावरिंग हो तो इसके लिए आपको इस प्लांट को मंथ में एक बार कंपोस्ट जरूर देना चाहिए और कंपोस्ट देने के 15 दिन बाद इसमें कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर भी इसे दे सकते हैं आप। मिनी चांदनी प्लांट रिच फर्टाइल नीडेड प्लांट है क्योंकि ये प्लांट बहुत सारी फ्लावरिंग करेगा, उसके लिए इसे कुछ फूड भी अलग से हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जिससे इसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका मिनी चांदनी प्लांट फ्लावर से भरा रहेगा। ज्यादा फ्लावरिंग करने के लिए इस प्लांट को ज्यादा सनलाइट की भी नीड होती है। इस प्लांट को 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए जिससे ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। यदि मिनी चांदनी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलती है तो इसमें पत्तियां ही डेवलप होती हुई नजर आएगी, आपको प्लांट पर पत्तियां ही पत्तियां दिखेगी लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, इसलिए ज्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए इसे सनलाइट में भी रखना जरूरी है। इसके अलावा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करे इसके लिए इसकी सॉइल अच्छे से प्रिपेयर हो ये भी जरूरी है। इसकी सॉइल प्रिपेयर करते समय एक हिस्सा सॉइल, 2 हिस्सा रिवर सैंड और कंपोस्ट 1 हिस्सा। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, ले ले और इसमें नीम खली पाउडर भी थोड़ा सा डाल दे जिससे इसमें कोई भी फंगी वगैरह ना लगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले और फिर अपना प्लांट इस पर ग्रो करे। रिवर सैंड हम इसलिए लेते हैं ताकि इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहे। सॉइल का वेल ड्रेन होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि सॉइल वेल ड्रेन रहेगी तो इसकी जो रूट्स है वो अच्छे से डेवलप करेगी और जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। छोटे पॉट में जब इस प्लांट को लगाया जाता है तो सॉइल का वेल ड्रेन होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ पॉट में नीचे ड्रेनेज होल हो अच्छा, ये भी जरूरी है ताकि इसमें जो भी वाटरिंग की जाए उसमें से एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाए। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फ्लावरिंग करे और साथ में घना भी दिखे बहुत, तो आप इस प्लांट की कटिंग करिए। आप जितनी ज्यादा कटिंग करेंगे इस प्लांट की उतना आपका प्लांट ज्यादा घना होते जाएगा। यदि आप एक स्टेम की कटिंग करेंगे तो वहां से 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, इस प्रकार आपका जो प्लांट है घना होता जाएगा और जो न्यू ब्रांचेस है उसमें और भी ज्यादा फ्लावर्स आएंगे और कुछ दिनों में ही आपका जो प्लांट है वो फ्लावर्स से भरा हुआ दिखाई देने लगेगा। इस प्लांट को आप अपने अकॉर्डिंग कटिंग करके न्यू शेप भी दे सकते हैं। जब आप इस प्लांट को न्यू शेप देंगे तो ये प्लांट घना भी होते जाएगा, साथ में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। आपको भी अपने घर में इस प्लांट को जरूर लगाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।